वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर ब्लॉग। तो गाइज, अभी तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है, तो आज अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनको काम नहीं आया। तो मैंने इनको कहा कि आज इधर ही रुक जाओ, जितनी देर काम नहीं आता तो उतनी देर इधर ही रुकेंगे, ताकि इनको पता चले कि ये सजा भी होती है। चलो जल्दी जल्दी चटाई इकट्ठी करो। और अभी छत पर बहुत अंधेरा हो गया है, ना नज़र आने के बराबर है तकरीबन। तो अभी इनको लेके जा रही हूँ नीचे। तो आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे नज़ला हुआ था और जिसकी वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो मैं स्कूल तो मैं गई थी, लेकिन कॉलेज नहीं मैं गई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द थी और जिसकी वजह से फिर मैं स्कूल कॉलेज गई नहीं। तो मैंने बच्चों को भी नहीं पहले पढ़ाया था, मेरी सिस्टर पढ़ा रही थी। तो फिर मैंने बाद में इनको, मैंने कहा कि चले अब मैं पढ़ा देती हूँ, वो वैसे भी आवाज़ें लगाई जा रही थी। तो अभी इनका काम नहीं हुआ इनको, इसलिए मैंने इधर ही रखा हुआ है। अब देखती हूँ इनको भेजती हूँ कि नहीं भेजती हूँ। इसको झाड़ तो लेना था साइम, तुम नीचे चले गए हो, इसको इकट्ठी करवाओ, उसके साथ जड़वाना नहीं था। चलो अब ऐसे इकट्ठी कर दो, ऐसे लपेट दो, लपेटो गोल, लपेटो ना गोल लपेटो। चलो तुम लोग नीचे जाके, साइम नीचे सेन में खड़े हो, मैं आती हूँ, जूते पहन के खड़े हो ना, जल्दी करो गोल लपेट लो जल्दी। ये इनकी चीजें हैं, नीचे लेके जाते हैं। चलो आ जाओ, अब तुम बैग उठाओगी या चटाई? ऐसा करो पहले चटाई नीचे रखाओ, फिर आके अपना बैग ले जाना। चलो जाओ। जल्दी आना, रख के जल्दी आओ, मैं ऊपर ही हूं अभी। तो गाइज ये बैग चटाई नीचे रखने गई है, अभी रख के आती है फिर ये बैग लेगी। इतनी देर में ऊपर ही हूँ क्योंकि ऊपर अंधेरा है। जैन साइन, अब तुम लोगों का क्या किया जाए हैं, बताओ, पटाइयो चल जाओ, छुट्टी कर लो, कल इससे ज्यादा सजा मिलेगी अगर काम ना किया जल्दी। तो चलो छुट्टी कर लो, कल बहुत सजा मिलनी है, समझ आई कि नहीं? अब इसको रात को बैठ के पढ़ना भी है। जैन तुम लोगों को समझ आई है? अयान तुम्हें रात को बैठ के पढ़ना, नहीं तो पिटाई बहुत होगी, कल मैंने आते ही सजा देनी तुम लोगों को। फौजी तुम्हें दूं? ये तुम्हारे हैं फौजी? ये क्यों लाती हो? रेजर तो होती नहीं तुम लोगों के पास, ऐसी चीजें बहुत होती हैं। ये लो पकड़ो, आइंदा नहीं लेके आना, अपने घर में रख के आने हैं। चलो आ जाओ, माफिया नीचे चले। चलो ओए, ये सुपारे किसके ऊपर है? सुपारे किसके है? आप दोनों भाई होंगे नहीं है? किसके हैं फिर ये सुपारे? पता नहीं कौन गाइस इधर रख गया है, अब इसको नीचे ले जाती हूँ और नीचे जाके देखती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। माफिया, अब तुम्हारी मम्मा को मैसेज करती हूँ, तुम इधर मजमून याद कर लो, बल्कि तुम्हें तो इधर ही रखना चाहिए मुझे, है ना? मुड़े पे बैठ जाओ, मुड़े पे बैठ के याद करो। तो गाइस ये मेरी सिस्टर नीचे पकौड़े बना रही है, इधर करना सारे, जो मर्जी कर लो, जो करना। तो ये मुतरमा पकौड़े निकाल रही है और अम्मी जी रोटी बना रही हैं। मुतरमा इधर करो, आज ये हमारी काम बाजी बनी हुई है और हमें डांट पड़ी है, मेरी अम्मा से पकौड़े थोड़े बनाए हैं। बंदा पूछे क्या हुआ? सपारा तुम्हारा? तो अब वो नीचे रखा, तुम अकेले कैसे घर जाओगी है? तुम अकेले कैसे जाओगी? चलो जाओ फिर, सपारा पकड़ो, तुम इतनी दूर से फिर वापस आई हो, जाहिल सी ना हो तो। तुम्हें आयशा मैंने कब का भेजा हुआ है? तुम है? है? तुम कहाँ थी इतनी देर से? तुम फिर घर से आई हो? अहमद इधर आओ। कौन सा अहमद? अहमद जाओ, इसको छोड़ आओ उधर तक जाओ, उस आसा चले जाना पीछे, ना बिठाना, गिराना देना।
वैसे ही साथ साथ चले जाओ इसके। ऐशा तुम तो कब की गई हो, फिर वापस आई हो? कब का मैंने इसको भेजा हुआ है? जल्दी याद करो तुम, जूता पहन के आओ उधर से। और ये हमारी बाजी वैसे फिर जा रही है भाई, तो आज ना हमारे घर वालों को सबको ना हम सब को फ्री में पैसे मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों, पता मैंने भी अभी 2000 मिला। बकवास कर रही है गाइस, बेइज्जती हो रही है उसको, पैसे कह रही है तो वो बेइज्जती इसलिए हो रही है कि मेरी मम्मी कह रही है कि भाई घर में किसकी भी पैसे ना, हम कहते कि मेरी ही मैं पता लगा 2000 ली हुई। आई थिंक मेरे ख्याल से सबके घरों में यही करते हैं ना। तो गाइस मेरी तो तबीयत ही नहीं ठीक थी, मुझे इतना ज्यादा नजला था और मेरे सर में और जिस्म में शदीद दर्द थी, तो इसलिए मैंने आज नहीं अम्मी जी के साथ काम करवाया, नहीं तो पकौड़े मैं ही बनाती होती हूँ, तो आज वो बना रही है। तो कम हो या ज़्यादा हो कड़ी में डालें, चलो ज़्यादा हो गई या कम हो गई इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन मम्मी का काम डांट, अगर आप अम्मी हैं तो आप भी डांटती होगी, अगर आप गलत हैं तो आपकी अम्मी आपको डांटती होगी। तो अभी मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही है पहले की नस्बत, पहले मैं सुबह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी सिस्टर कह रही थी कि तुम स्कूल ना जाओ दोनों, तो मैंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि घर में भी इन्होंने मेरा दिमाग ही खाते रहना है, कभी कोई बात कभी कोई बात, रेस्ट तो करने नहीं देनी, इससे बेहतर है कि बंदा स्कूल ही चला जाए। तो ये मेरा सही डिसीजन था, क्योंकि जब मैं स्कूल से वापस आई, मैं कॉलेज नहीं गई, तो मैं नीचे लेटी हुई ये मिनट मिनट पर कभी कोई बात कभी कोई बात, मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं कॉलेज भी चली जाती। तो फिर मैं ऊपर गई तो बाद में बच्चे ऊपर आ गए, फिर मेरी सिस्टर उनको पढ़ाने लगी, फिर मैं नीचे आ गई, फिर इसको बस ये था कि आप ही नीचे क्यों लेटी हुई है, मैं अकेली पढ़ा रही हूँ, ये आवाज़ें दे दे के इसने मुझे बुला लिया। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया, वैसे भी मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक मैं बच्चों को ना पढ़ाऊँ। तो फिर उसके बाद अभी बच्चों का आज कुछ दो बच्चों का पेपर भी था, उनको पेपर तैयार करवाया, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि डेली तंग करने पर उन्होंने रटा लगाई हुई थी, पढ़ते नहीं थे, आज उनको थोड़ी देर इधर भी रखा, रात तक के थोड़ी सजा मिलेगी, इनको पता चल जाएगा कि डेली काम करना है अब। तो अभी मैंने अपना भी थोड़ा बहुत पढ़ूंगी, और अभी अम्मी रोटी बना रही हूँ, देखती हूँ किचन में कोई और काम है तो उनके साथ करवाती हूँ, कोई और काम करने वाला है तो। अम्मी जी रोटी बना रहे हैं, वैसे भी सिस्टर अब लगी हुई है, तो अभी मैंने थोड़ा पढ़ना है, अब देखती हूँ और क्या करने वाला, कोई काम करती हूँ। एक बच्ची अभी भी इधर रुकी हुई है, उसके घर से अभी कोई लेने नहीं आया, फिर वो आते हैं तो उनको भेजती हूँ। क्या हुआ तो गाइस लगा के दे रहे हैं, नाले चाह पानी नाले फ्री दे, मीटर मुझे नहीं लगी है गाइस, झूठ बोल रही है, सानू 50,000 देना पिया सी, फिर भी नहीं गया सा, और ये फ्री वाला झूठ बोल रही है, फ्री में कोई लगा के देता है? फ्री होया है सिंपल, अच्छा फ्री में नहीं कोई लगा के देता। तो गाइस अभी मैं अपने व्लॉग का यहाँ पे करती हूँ एंड, रोटी तो दिखा रहे खा रही नहीं आप कड़ी छान के मुंह में पानी डाला ना मतलब पर। चलो गाइस मैं आपको कड़ी दिखाती हूँ हमारी कड़ी कैसे बनी है ना, मुझे भी बन गया है हल्का सा ही जाओ। मैं देखती हूँ हमारी कड़ी कैसे बनी, अभी मेरी अम्मी रोटी बना रही है, उतनी देर इसको यहाँ पे बंद करते हैं, रोटी बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, उतनी देर मैं वो बच्ची का सबक भी थोड़ा सुनने वाला है, वो सबक सुन लूँ, और फिर जब उतनी देर में रोटी तैयार हो जाएगी फिर मैं आपको कड़ी और रोटी दोनों दिखाती हूँ। हमारी रोटियाँ और कड़ी तैयार हो चुकी है, तो अभी कहाँ चले, दो तो मैं ये भाई के लिए डाल के लेके जा रही हूँ, हमारी किचन की हालत चेक करें, बहुत खराब हुई है भाई, क्या हम सब खाना खाने लगे हैं, बड़ी प्लेट में ही डाल लेती हूँ, तो हम लोग सारे मिलके ही खाना खाते होते हैं,
अभी आप लोगों को प्लेट में डाल के दिखाती हूँ उसकी कंडीशन। धनिया नहीं डाला हुआ लग रहा। अम्मी जी धनिया डाला है? पकौड़े आज मेरी सिस्टर ने बनाए थे, मसाला भी उसने खुद ही मिक्स किया था, मजे के थे, मैंने एक्स्ट्रा किया था। अभी उसने मेरे लिए कह रही है कि नहीं पड़े काम जो थे। वो लिशवा के घर कड़ी देने गए हूँ। तो गाइस ये मैंने प्लेट में डाली है कड़ी। ये हमारी कड़ी है भाई, कड़ी खा के दे बताओ कैसी बनी है। गाइस एक हमारी बाजी है भाभी जो उस दिन आई थी जिसके बच्चे थे उसके घर हमने भेजी, वो कह रही बहुत मजे की बनी है। उसने फोन करके हमें बताया भाई ने, वो मजे की बनी है। हाँ वो भी कह रहे थे, उन्होंने स्पेशल फोन करके बताया कि कड़ी बहुत मजे की बनी है, किसने बनाई थी और ये मेरी मम्मा ने बनाई थी। मेरा भाई भी कह रहा है बहुत मजे की बनी है। और मेरी हालत आज कुछ बुरी है, तबीयत खराब है मेरी, हालत से लग रही होगी मेरी तबीयत खराब है। जब बंदे को नजला वो लग रहा होती है उसकी तबीयत खराब, लग नहीं रही होती लेकिन उसको ज्यादा फील होता है ना, लग रही मेरी तबीयत खराब है ना। तो गाइस अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं, तो यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और मेरे वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।